अगर जुआ में हमेशा आपको जीतना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जुआ जीतने का एक ऐसा रामबाण शक्तिशाली उपाय बतलाने जा रहा हूँ, जिस उपाय को यदि आप गलती से भी कर लेते हैं और जहाँ भी जुआ खेलने चले जाते हैं वहाँ पे हमेशा आपका ही जीत होगा, और वहाँ पे जीत करके आप मालेमाल हो जाएंगे, करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ मेरे भक्तों, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा असली चमत्कारी टोटका बतलाने वाला हूँ जिसको करने के मात्र 2 से 3 घंटे बाद खुद चमत्कार देखिएगा। आप जहाँ भी जुआ खेलने जाइएगा वहाँ पे हमेशा आपका ही जीते होगा। करना क्या होगा आइए मैं आप सभी को बतलाता हूँ, ताकि जुआ में आप जीत करके भिखारी से राजा बन जाएंगे, करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। उसके पहले मैं आपसे छोटा सा विनती करूंगा, यदि तांत्रिक लव गुरु यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी इस प्रकार के चमत्कारी टोटके वीडियो अपलोड करेंगे उस चमत्कारी टोटके वीडियो का फायदा सबसे पहले आप ही लोग उठाएंगे। देखिएगा करना क्या है, सबसे पहले आपको जुआ खेलने से पहले 2 लवंग लेना है, वही लवंग जिसका प्रयोग जादू टोना, जोग टोन, टोने टोटके में किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। उसी लवंग को मात्र आपको 2 ले लेना है, फिर आपको एक लाइटर हो, माचिस हो, उससे ले लेना है, और ले करके आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम में आप बैठ जाइएगा। बैठने के विधि करने से पहले ध्यान रखें इस बात को, चुपके चोरी से बैठना है, अपने हाथ को अपने पैर को अच्छे से धो करके साफ कर लेना है, बगल में अगरबत्ती जलाना है, नहीं तो करू तेल के दिए जलाना है, नहीं तो थोड़ी सी मात्रा में धूप जला लेना है, फिर पूरब दिशा की तरफ में घूमना है, और 2 लवंग जो लिए हैं 1 लवंग को दाएं हथेली में रखेंगे और 1 को बाएं हथेली में रखेंगे, और इस प्रकार से लौंग के फूलों में कुछ देरों तक स्पर्श करना है, और स्पर्श ऐसा ही नहीं करना है, जुए की जीत की बारी की अपने दिल में जो भी मन में बात रखे हैं उसको बोलना है, और इस प्रकार से फूलों में फूलो स्पर्श करना है मात्र 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही 2 से 3 मिनट खत्म हो जाए इसको क्या करे, आपस में सटा ले, जैसे ही सटाए दोनों आँखें एकटक लगा करके खोले, अपना नाम ले, जुए जीतने की बात बोले, इष्ट भगवान का नाम ले, फिर त्रि 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 इस 3 बार मंत्र का जाप जरूर कर दे, ताकि इससे शक्तियां आएगी आपके पास, और जैसे ही शक्तियां आएगी आपके पास से आपके साथ रहेगी, और जहां भी आप जुआ खेलने जाएंगे इस टोटके को करके वहां पे आपका ही जीत होगा, आपका ही विजय होगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से मंत्र का जाप करे, त्रि 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 मात्र 3 बार दिल का मन का बात बोले, अपना नाम बोले, और इस प्रकार से लौंग को क्या करे, जला दे। जैसे ही पूरे लौंग को जलाइएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं नहीं जला रहा हूँ, आप जला लीजिएगा, नहीं तो मेरे पूरे जल जाएंगे। जलने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये लौंग जलकर काला राख बनेगा, और इसी काले राख को एक छोटे से काले कपड़े लेना है, नहीं तो रूमाल ले लेना है, और उसमें क्या करना है, आपको गांठ लगा करके बांध करके बंद करके अपने पर्स पॉकेट में रख लेना है, और जिस दिन जिस समय जुआ आप खेलने जाए उसी समय 2 अगरबत्ती जलाए और उसको धूपा ले, अपने मेन दरवाजे पे आए, उस दिशा में घूमे जिस दिशा में आप जुआ खेलने जा रहे हैं, उस दिशा का प्लान किए हैं, वहां का बात सोचे हैं, उसको बोलते हुए अपने घर से बाहर निकलना है, अपने इष्ट भगवान का नाम ले लेना है, और जहां भी आप जुआ खेलिएगा ध्यान से देखिएगा, इस लवंग जला है, काले कपड़े में रखे हैं राख को, उसको उठा करके अपने दाएं पैर से छुआ ले और बैठ जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैठे, 2 पैर हुआ, यहाँ छुआ ले और दोनों से छुआ करके चुपके से अपने पर्स पॉकेट में रख ले, और फिर जुआ खेलने लगे। जैसे ही खेलने लगिएगा खुद चमत्कार देखिएगा, आप जुआ में हमेशा आप ही जीतिएगा, और जीत करके आप माले माल हो जाइएगा। और बहुत ऐसे मेरे भक्त हैं जो कि सोच रहे होंगे कि गुरु जी ताश भी लेना है, गड़ी भी ऐसी लेनी है, तो ऐसे कुछ आपको लेना नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को दिखलाने और समझाने के लिए इस गड़िये को मैंने लिया था।